केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। स्वागत है आपको केलांचल टाइम्स में, मैं हूँ आपके साथ वंदना। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और आज यानी कि 20 अक्टूबर को चौथे चरण के चुनाव हो रहे हैं। मैंने रखता है कि पंचायत चुनाव में जनता की राय क्या होती है, वो किस प्रकार के सदस्यों को अपने पंचायत में चाहते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता की टीम बिहार के ही पूर्णिया जिला के श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत सिंहिया पंचायत में है, जहां पर वहां की जनता से भी बातचीत हुई और साथ में बात हुई है सिटिंग मुख्य प्रत्याशी गंगाराम टुडू से। तो आइए जानते हैं बातचीत कर, और हमारे संवाददाता है इस वक्त विभूति सिंह जो उनसे बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में कि इन सभी का क्या राय है पंचायत चुनाव को लेकर, देखते हैं ये खास रिपोर्ट में। मैं विभूति सिंह केलांचल टाइम्स में आप देश और दुनिया के जितने भी तमाम दर्शक हैं सबों का स्वागत करता हूं। अभी हम पहुंचे हैं पूर्णिया जिला से, लगभग 30 किलोमीटर दूर हम हैं सिंहिया पंचायत में। सिंहिया पंचायत में आज से नहीं बल्कि 20 वर्षों से एक ही नाम गूंज रहा है, वो नाम है लोकप्रिय समाज सेवी हमारे भाई साहब हैं गंगाराम टुड्डू जी, जो जिनका ये विगत 5 वर्षों से मुखिया थे। 5 साल इन्होंने मुखिया का कार्यकाल संभाला, उनसे पहले 15 साल से ये लगभग यूं कहें तो 20 साल से पंचायत की राजनीति में है। इनका छवि इतने अच्छे आदमी हैं, इतने मृदुभाषी हैं कि सभी जातियों के लोग को एक धागे में पिरो कर रखने वाले हमारे फोकस की जगह सर यही है हमारे मुखिया जी गंगाराम टुड्डू। और संयोग यह है कि अगले वर्ष भी इन्हें कलम दबाव का छाप मिला, इस वर्ष भी ऊपर वाले की करिश्मा से वही निशान से इनको है कलम दबाव छाप। और ये मुखिया पद पहले भी सिटी मुखिया रह चुके हैं, इस बार भी मुखिया की दावेदारी में है, और जितने भी जनता जनार्दन इनके सदस्य हैं इनकी भी राय जानेंगे। आइए मिलते हैं हमारे मुखिया जी से। मुखिया जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी, और हम तो एट रैंडम हम आपके पड़ोस से ही हैं, आपका नाम हम बहुत सुने थे बहुत दिन से, कई बार विधायक जी के साथ आपका जो कार्यकाल रहा मुखिया का जो कार्यकाल रहा पाँच वर्ष तक जी, ये कितना अच्छा रहा आपके कार्यकाल में? पिछले 5 वर्ष में कितना अच्छा रहा, 15 साल पिछले 15 साल 2001 में भी मैंने चुनाव लड़ा था, 2001 में बहुत कम वोट से मैंने हारा। उसके बाद फिर 2001 के बाद 6 में सुरक्षित सीट हुआ 80 का, इसमें हमने नहीं चुनाव लड़ सका, 2 टर्न हुआ रहा। इसके बाद तीसरा टर्न में 2016 में फिर जनरल सीट आया, जनरल सीट में मैंने चुनाव लड़ा, मुझे जनता बहुत अच्छा चाहा, अब मैं अच्छा वोट से मैंने जीता। उसके बाद 5 वर्ष में मेरा कार्यकाल 15 साल पूर्व में जो नहीं हुआ था 5 वर्ष में हम मैंने किया, 15 साल पहले जो कार्य नहीं हुआ था पंचायत का, जो डेवलपमेंट नहीं हुआ था 5 वर्षों में आपने, 5 वर्षों में हमने किया, उसमें भी और ज़्यादा करते हैं, लेकिन 2 वर्ष लॉकडाउन के चलते कोरोना काल के चलते बहुत हम पीछे रह गए, नहीं तो बहुत आगे। कोरोना काल में सर बहुत ऐसी योजनाएं होगी जो कि मना ये पेपर उसका ही हो गया होगा, यदि पास हो गया लेकिन धरातल पर इसलिए नहीं उतर पाया क्योंकि कोरोना के समय लॉकडाउन था जी। तो ये कोरोना काल में हम लोग मास्क साबुन सैनिटाइजर हम लोग ने वितरण किया। नहीं वो तो खैर ठीक है सर, आपके काम में कोई शिकायत नहीं, आपका नाम ही काफ़ी है, तो आपका नाम इतना लोकप्रिय है कि लोग पूरे पूर्णिया जिला में आपका नाम लोग लेता है, तो जब तक आपके कार्यशैली आपका बेहतर नहीं है तो कैसे नाम लेता है। और अभी भी जनता से हम राय लिए हैं वार्ड नंबर 2 और 3 में, उनका भी कहना था कि मुखिया जी का स्थान अभी प्रथम है, इसी का लहर है, तो ये जनता जो इतना चाहती है सर आपको, इसके पीछे क्या राज है? हमने जनता को बहुत सम्मान दिया और हमने घर घर बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सबको सम्मान दिया, और मेरे 5 वर्षीय कार्यकाल के दौरान कभी किसी को भाईचारा के सिवा कोई गलत शब्द के बात नहीं किया, यानी शांतिपूर्वक माशा हमने ये पंचायत को चलाया। ये सर अभी आपके पंचायत में कुल 13 वार्ड है, 12 वार्ड, तो 12 वार्ड में जो जनता का जो रिएक्शन है इस बार का, जो चुनावी रणनीति है इस बार, जो आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस बार, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? मुझे अभी तक लग रहा है पिछले बार 2016 में जो मैंने जीता इस बार उससे और पूरी मजबूत
मेरे रिजिन में आपको गव विकास योजना के तहत हमने बहुतों को दुधारू मवेशी दिलवाया, पशु दिलाया, एकदम निःशुल्क बिना पैसा का निःशुल्क हमने दिलाया। खाली 75% सब्सिडी था, लेकिन उसी में हम लोग एडजस्ट करके सभी जनता को निःशुल्क जहाँ तक हुआ हर संभव हमने। आपके कार्यकाल में मुखिया जी नल जल योजना का कार्य आपके पंचायत हमारे यहाँ नल जल योजना का जल विश्व बैंक से बना, मेरे श्रीनगर प्रखंड में आपको एक सिंघिया पंचायत एक होका उत्तर ये विश्व बैंक से बन रही है, हम लोग का सिर्फ निगरानी है और जो बन रहा है सबसे अच्छा बन रहा है। और ये वो जो क्या कहते हैं नली गली योजना जहाँ तक बना है बहुत अच्छा बना है, यानी काम बड़ा बेहतर बहुत बेहतर हुआ और हमने अपने से निगरानी करके। ये मुखिया जी आपको अभाव नहीं खलता है, आपको ऐसा नहीं लगता है आपका जो पोजीशन है आपका जो नाम है आपका जो रुतबा है ये अभी आपको अभाव खलता होगा, अभी इनकी प्रतिद्वंदी बहुत ज़्यादा है, हमको खुशी है हमको वो अभाव वो नहीं बोल रहे हैं, ये अभाव आपको खलता होगा कि 5 साल ही हमको मिला और अगर 5 साल हम रहते ये जनता का रही है। आपकी जीत अपार बहुमत से होने जा रही है, आपकी जीत तय है, ये जीतने के उपरांत सबसे पहले आप पंचायत में क्या करना चाहेंगे आपका क्या ख्वाब? सबसे पहले हम शिक्षा स्वास्थ्य और आपको जन वितरण प्रणाली इस पर हमने कुछ दूर करेंगे, जो हमको जो शिकायत मिली है 5 वर्षों में हम सबसे पहले उस पर स्टेप जन वितरण प्रणाली उसमें आपको स्वास्थ्य और शिक्षा इस पे विशेष फोकस रहेगा, इस पे विशेष बल दिया जाएगा स्वास्थ्य शिक्षा और जन वितरण प्रणाली पे आपको शिकायत मिला जी, जी। उसको सबसे पहले 5 वर्षों में हमने अपना बायोडाटा रखा है शिकायत पंजी, हमने शिकायत पंजी 5 वर्षों में जो शिकायत जो देखे उस हिसाब से हमने इस बार अगर मौका मिल जाता है तो सबसे बड़ा फोकस मेरा वही रहे। शिकायत पंजी तो और कोई मुखिया से हम मिले हैं कई मुखिया से तो हमको नहीं लगता है कोई हम तो शिकायत पंजी रखे नहीं, आपको कोई शिकायत हो तो वह शिकायत में दर्ज कीजिए यानी उस पर अमल किया जाएगा। यानी इस पर विशेष फोकस दिया जाएगा शिक्षा स्वास्थ्य और जन वितरण प्रणाली से भी शिकायत मिली है। ये अपार बहुमत से आपकी मैं भी ये शुभकामना करता हूँ, देश और दुनिया के तमाम जितने भी लोग अभी देख रहे हैं आपके पंचायत वासियों से मैं आग्रह करता हूँ कि आपकी अपार बहुमत से विजय हो और जितने के उपरांत आपका जो अभी मिलनसार स्वभाव है यही स्वभाव ईश्वर करे आपका स्वभाव रहे। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं अंतिम सब? जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं, अभी फिलहाल जनता मेरे साथ ही है और इसी तरह साथ बरकरार है, उसके बाद हम जनता के लिए 24 घंटा एनी टाइम हम बरकरार खड़ा रहेंगे, जहाँ जनता का जो सुख दुख हो हम उसके लिए साथ रहेंगे। आपसे अपील ही है जी। चलिए मुखिया जी आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्रार्थना नहीं चलिए हम अभी मुखिया जी से मिले, मुखिया जी का नाम है गंगाराम टुड्डू, इसका चुनाव चिन्ह 3 नंबर क्रमांक पे आता है कलम और तबादला। तो ये जो निशान चिन्ह है इस निशान चिन्ह से एक संदेश मिलता है सभी देशवासियों को और पंचायत वासियों को, कलम दबात का अर्थ होता है एजुकेशन। और मुखिया जी से भी बात हुई, मुखिया जी का भी कहना है कि अगर हमारी अपार बहुमत से विजय गारंटी है, अपार बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं, जीत हमारी तय है, जीतने के बाद तुरंत ही ये पंचायत वासियों में शिक्षा स्वास्थ्य और जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करेंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच कुछ जनता जनार्दन है जिनसे हम बात करते हैं। चाचा की नाम बोले अपना पलटन किसको? गंगाराम टुड्डू का डंका बज रहा है सिंघिया पंचायत में कि ऐसा मुखिया दूसरा नहीं होने जा रहा है, नहीं तो आपको क्या विचार है आपका? सही है तो अगले बार जितना वोट मिला था उससे कई गुना ज्यादा वोट मिलने जा रहा है, मिलेगा सर आशीर्वाद दे रहे हैं, मिलेगा जरूर का मतलब नहीं है तो मिलेगा, जो इतना साल से गंगाराम टुड्डू प्रतिष्ठा सिंघिया पंचायत में और भी मुखिया था, कोई मुखिया पंचायत ने कोई काम काज नहीं किया, गंगाराम टुड्डू अभी इतना काम किया 15 साल में जो काम नहीं हुआ था जो हुआ है इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना जारी है बरकरार है जो भी जा रहा है। आपको क्या लगता है कितना वोट से आगे रहेंगे अपना मुखिया जी? रहेगा कितना वोट से आगे रहेंगे? अब क्या अपार बहुमत हमको लग रहा है इसमें संख्या होगा बहुमत है अपार बहुमत अपार बहुमत अपार क्या लग रहा है भैया आपको? जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम लखीराम थोड़ा और वार्ड नंबर 3 का है, हम जो है तो प्रतिनिधि मुखिया जी के साथ हैं आप लोग? हाँ साथ हैं मुखिया जी का।
मुखिया जी के साथ हैं आप? हाँ जी। तो मुखिया जी कितना वोट से जीत रहे हैं इस बार? अपार वोट से जीत रहे हैं। अपार, गिनती नहीं है, अपार बहुमत से आगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तमाम जितने भी जनता जनार्दन बैठे हैं, इनका कहना है कि मुखिया जी अपार बहुमत से आगे रहेंगे, इस बार भी जीतेंगे। कैसा क्षेत्र में गंगा राम टुड्डू का छाप कुछ जहन में दिल में उतरा है जनता को 5 साल में के लिए? नहीं, 5 साल में तो जो 10 साल में काम नहीं हुआ, 15 साल में, वो 5 साल में नहीं दिखाया नहीं। 5 साल में तो इस बार इसका हक बनता है, हक बनता है, हक बनता है, चुनाव में मतदान इसके पक्ष में होना है। होगा, भारी बहुमत से होगा, भारी बहुमत से। क्या भैया? मुंशीलाल मुर्मू। क्या लग रहा है आपको? जैसा की सभी लोग देख रहे हैं, अभी देश और दुनिया के जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी जनता जनार्दन का कहना है की गंगाराम टुड्डू का जो कार्य शैली है, जो 15 वर्षों में अन्य प्रतिनिधि नहीं कर पाए, 5 वर्षों में इन्होंने काम को पूरा किया, इसलिए इसका हक बनता है की इनका विजय, इनकी जीत 110% है और अपार बहुमत से ये जीतने जा रहे हैं। तमाम खबरों के साथ बने रहें कैलाचल टाइम्स के साथ। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुमका ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।